प्रार्थनाओं पर प्रहार अच्छा नहीं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के ये 5 शब्द कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ कहते हैं। ये वो शब्द हैं जो केंद्र की सत्ता में बैठी सरकार के लिए सबसे बड़ा प्रहार है, ऐसा प्रहार जो बीजेपी से उनका मुस्लिम वोट छीनने के लिए काफी है। आप भी सोच रहे होंगे कि यूपी के पूर्व सीएम की इन 5 शब्दों के पीछे क्या गहराई छिपी है, आखिर वो इसके जरिए क्या कहना चाहते हैं। अखिलेश यादव का ये पोस्ट उस वीडियो के बाद सामने आया है जो आजकल सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। वो वीडियो इतना संवेदनशील है कि हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन उसकी हकीकत जरूर बता सकते हैं। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम समाज के कुछ लोग सड़क पर नमाज अदा कर रहे थे, तभी पुलिस की वर्दी पहने एक शख्स आता है, बीच नमाज में ही उनके साथ बदसलूकी करने लगता है, एक को लात मार के उठा देता है तो दूसरे को भी बुरा भला कहकर गिरा देता है। जानकारी के मुताबिक ये घटना दिल्ली के इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास की है, जहां शुक्रवार दोपहर 2 बजे करीब जुमे की नमाज के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। मस्जिद में भीड़ के कारण कुछ लोग सड़क पर ही नमाज पढ़ने लगे। इस दौरान भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस वाले वहां आ गए और उन्हीं में से एक पुलिस वाले ने उनको लात मार दी, जिसका वीडियो वहां मौजूद लोगों ने वायरल कर दिया। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की एक्स पर लिखी गई ये लाइनें इसी घटना की निंदा करती है। भले ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस पर ज्यादा कुछ ना कहा हो, लेकिन उनके ये चंद शब्द साफ साफ कह रहे हैं कि वो और उनकी पार्टी इस घटना के सख्त खिलाफ है। बहरहाल घटना का वीडियो वायरल होने के कुछ ही घंटे बाद आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई भी कर दी गई। वीडियो को आधार बनाकर आईजी मनोज कुमार तोमर को 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया, क्योंकि इस घटना के बाद से लोग आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। लोग इस कदर आक्रोशित थे कि उन्होंने सड़क जाम कर दी थी। हालांकि अब हालात काबू में हैं, इलाके में सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल तैनात है। We'll be right back.